तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अमेजन पे हम अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र करेंगे यूपीआई यानी गूगल पे, फोन पे या दोस्तों किसी भी यूपीआई में, भीम यूपीआई या जो भी आपकी यूपीआई है, कैसे यूपीआई में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे अमेजन वॉलेट का बैलेंस हम कैसे ट्रांसफ़र करें। कुछ ट्रिक होगा, कुछ तरीका होगा, उसकी मदद से हम समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए कमाल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूँगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज दोस्तों देर क्यों करेंगे, कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अमेजन पे से कैसे अपना जो बैलेंस है बैंक में भेजेंगे या यूपीआई जो आईडी है गूगल पे, फोन पे उसमें भेजेंगे या कॉन्टैक्ट के थ्रू भेजेंगे। जितने भी अमेजन पे से पैसे भेजने के तरीके हैं मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आए दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे क्या करना। तो सबसे पहले आपको अपनी अमेजन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड ऊपर थ्री लाइनिंग दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे थ्री लाइनिंग पे। उसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन दिखेगा अमेजन पे का, इस अमेजन पे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारा कुछ सभी कुछ शो होने लगेगा। अब हमको क्या करना है आइए मैं बताता हूँ आपको। तो सिंपल है, हमको क्या करना है, हमको पैसा भेजना है। तो भेजने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे स्कैन एंड पे स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं। यदि वो अगला है जो क्यूआर कोड वगैरह उनका मिल जाता है तो आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। जैसे गूगल पे फ़ोनपे में आप पे करते हैं उसी तरह से उनका यदि कोड मिल जाता है ना क्यूआर कोड, तो आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। और जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे सेंड मनी का, सेंड मनी के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना, अब हमारे सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। अब देख सकते हैं जितने भी पैसे भेजने के ऑप्शन है सब कुछ आ चुके हैं। पहला स्कैन एंड पे वाला तो मैंने बता ही दिया, दूसरा यूपीआई आईडी है, तीसरा टू फोन है, चौथा टू बैंक है, फिर नियर मी है। तो यहाँ पे चार पांच ऑप्शन है, एक एक करके हम अच्छे से बताएंगे। पहला तो स्कैन एंड पे था, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद है टू यूपीआई आईडी। तो टू यूपीआई आईडी पे क्लिक करके हमको क्या करना है, यहाँ पे जिनको पैसा भेजना है उनका यूपीआई आईडी देना होगा। जैसे हम यहाँ पे एक यूपीआई आईडी डालेंगे और पैसा भेज के भी दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ से यूपीआई आईडी फिल किया और वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आईडी वेरीफाइड हो चुकी। अब हमको पैसा भेजना है तो मात्र हम एक रुपये भेज के चेक करेंगे। तो सिंपल है, सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने प्रोसेसिंग होगा, हमारी पिन मांगी जाएगी, हम अपना पिन भरेंगे और उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो पाएगा। मैंने पिन भर के राइट कर दिया। अब देखिए हमारा जो बैलेंस है ट्रांसफ़र हो चुका इस तरह से। तो ये तो पहला तरीका था, आइए सेकंड जानते हैं। तो जो हमारा सेकंड है वह है यहाँ पे टू फोन के मतलब फ़ोन नंबर के हिसाब से। तो टू फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिनको भेजना, सिंपल है, आप उनका मोबाइल नंबर डालिएगा और उनका जो आप जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे डायरेक्ट इस तरह से उनका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से पे कर सकते हैं। अगला ये तो नॉर्मल है टू फोन वाला। फिर अगला टू बैंक, तो टू बैंक पे क्लिक करेंगे और आप अकाउंट नंबर के थ्रू किसी में पैसा भेज सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको भरना है। आइए हम आईएफएससी कोड यहाँ पे भरते हैं। तो सिंपल आईएफएससी कोड यदि है तो ठीक है, नहीं तो सर्च भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, सर्च आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आईएफएससी कोड यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले बैंक का नाम देगा, तो हम बैंक का नाम यहाँ से खोज लेते हैं। मेरा बैंक यूको है, यूको ले लिया। ब्रांच का नाम कह रहा है, तो मेरा ब्रांच है उर्वा, तो मैंने उर्वा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सब कुछ डिटेल्स आ गया। बोल रहा सही है ना, बिल्कुल यही है ना आपका ब्रांच वगैरह, तो मेरा बिल्कुल सही है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आईएफएससी कोड हो गया, अब अकाउंट नंबर भरना है हमको। अकाउंट नंबर आगे भर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, आगे यहाँ पर फिर री इंटर अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पर भर देना है। और हमको क्या करना है, यहाँ से अब नेम ऑफ अकाउंट होल्डर मतलब किसका खाता है, खाता धारक का नाम भरना होगा। तो मैंने यहाँ से खाता धारक का नाम भर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रोसेस टू सेंड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कितना पैसा भेजना है पे दिखाना है, तो एक रुपये हम भेज के चेक करेंगे। तो एक रुपये मैंने भर दिया, सेंड मनी के ऑप्शन पर क्लिक किया।
और अपना हम यहाँ से पिन डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पिन है, ये पिन वगैरह जो हम भर रहे हैं ये दोस्तों, आप जिस टाइम अकाउंट बनाए होंगे उस टाइम आपने भी पिन बनाया होगा, तो वही पिन भरना है। अकाउंट यदि आप बना लिए अमेजन पे पे तो ठीक है, यदि नहीं अमेजन पे पे अकाउंट है तब भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि अमेजन पे पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब यहाँ इतना हो गया, अब आइए बैक आते हैं और फिर से अगला जो फीचर्स है नियर मी, इस नियर मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या करना होगा। यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप किसी को नियर मी यदि कोई है तो उनके में भी ए नियर मी वाला ऑप्शन खोल के और यहाँ से पे या रिसीव, यदि रिसीव करना है तो रिसीव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, यदि पे करना है तो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ना आप आसानी से पेमेंट उनको कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेक्ट कर लेगा दोनों लोगों में ओपन होना चाहिए, नियर मी ओपन कर लीजिएगा, यदि रिसीव उनके में करना, उनको पैसा आपको देना है तो उनके फ़ोन में रिसीव करवाएगा, अपने से पे करिएगा, यदि आपको लेना है तो अपने में रिसीव करेगा, उनसे पे करवाएगा, तो पेमेंट आप इस तरह से नियर मी की मदद से भी कर लेंगे। तो ये था कुछ पेमेंट का फीचर तो मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।